और हस्बैंड्स जितने भी हैं उनको ये ड्रामा जरूर दिखाना चाहिए, बेगमात को अपने शोहर को बताना चाहिए ये ड्रामा देखो। हेलो एवरीवन, दानिश नवाज इज वन गिफ्टेड एक्टर एंड डायरेक्टर और कॉमेडी के अलावा उन्होंने संजीदा कैरेक्टर्स में भी खुद को मनवाया है। जाहिर है जब फैमिली ही इतनी टैलेंटेड हो तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो कहते हैं ना इट रन्स इन द फैमिली। दानिश नवाज आजकल मसरूफ हैं अपने अपकमिंग ड्रामा खास की शूटिंग में। इस ड्रामे में दानिश के साथ नजर आएंगे सनम लोच और अली रहमान। तो जानते हैं दानिश से खास के बारे में जो कि अभी इस वक्त हमारे साथ वीडियो कॉल पर मौजूद हैं। दानिश ये बताइए कि खास में ऐसा क्या खास है? ये बेसिकली जो स्टोरी है ये ऐसे 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 कैरेक्टर हैं जो मियां बीवी का जो एक रिश्ता होता है जैसे बड़ा ही नाजुक रिश्ता होता है उसमें आप समझ सकते हैं कि लड़की का बिल्कुल ब्रॉटअप एक अलग घर में होता है, अलग सोसाइटी में होता है, उसको अलग तरीके से तरबियत दी जाती है और लड़के को अलग तरीके से तरबियत दी जाती है। लेकिन जब लड़की उस घर में आती है तो ससुराल कहता है जी अब रातों रात चेंज हो जाओ, हमारे जैसी हो जाओ, जैसी जैसा हमारा घर है। तो ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम देना चाहिए। इस तरह की हमारी स्टोरी है और बहुत रिलेटेबल है, हर घर का ये एक इशू है और हस्बैंड्स जितने भी हैं उनको ये ड्रामा ज़रूर दिखाना चाहिए, बेगमात को अपने शोहर को बताना चाहिए यार ये ड्रामा देखो, मतलब ऐसे मत करना मियाँ बनने के बाद। तो आप भी ड्रामा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दानिश आई एग्री कि ऐसे ड्रामास पूरी फैमिली के लिए ही सबक आमोज होते हैं। इस ड्रामा में आपके साथ सनम बलोच और अली रहमान भी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। सनम बलोच एक बहुत अच्छी एक्टर भी हैं, इंसान भी बहुत अच्छी हैं। सनम की क्वालिटी ये है कि वो जब स्क्रिप्ट पढ़ती है ना तो वो वैसी हो जाती है जैसे स्क्रिप्ट में कैरेक्टर होता है। ये बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो स्क्रिप्ट को पूरा फॉलो भी करते हैं, परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। तो सनम के साथ काम करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अली रहमान और सनम की जो 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 पेयर आ रहा है, जो कपल आ रहा है, जो जोड़ी आ रही है वो बड़ी खूबसूरत आ रही है और ये कैरेक्टर भी अली रहमान पे बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि इसमें खूबसूरत हैंडसम हसीन लड़का, प्यारा लड़का दिखाना था जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त अली रहमान सबसे अच्छा हैंडसम लड़का है। थैंक यू सो मच दानिश फॉर योर टाइम। फ्रेंड्स अभी तो इस ड्रामा की शूटिंग चल रही है, जैसे ही ये ड्रामा ऑन एयर होगा हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे और जल्द ही मिलवाएंगे आपको इस ड्रामा की बाकी कास्ट से भी। दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।